यो गाइस, वेलकम बैक टू AGY कस्टम रूम। Day 4, ये सेकेंड मैच है और फर्स्ट मैच कैंसल हो गया था क्योंकि वो टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, बिजी था थोड़ा। तो चलो फिर मैच को स्टार्ट करते। तो आज की वीडियो पूरी देखना, भले से ये वीडियो लंबी बनी हो बट इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही फाइट हुआ है, बहुत ही अच्छा सीन हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ भी बताना है, दिखाना है। तो वीडियो पूरा देखना एंड तक और कमेंट में बताना क्या मैं सही बोला कि गलत बोला, ठीक है। तो जॉर्जो पुल में दो स्क्वाड आई है, मतलब अभी उतर रही है, देखते हैं कहाँ जाते हैं उन लोग। अपार्टमेंट में तो नंबर 5 का फिक्स रहता है भाई, 2-3 मैच में देख रहा हूँ मैं। और सिटी में भी आई थिंक, चलो देखते हैं एंडिंग तक। हाँ, सिटी में 2 स्क्वाड है और जॉर्जिया पुल में 1 स्क्वाड आई है। और ये क्या टीम 8 और टीम 19, भाई 19 को बीच में है और टीम 8 के भाई दोनों आजू बाजू से। तो यहाँ पे टीम 12 और टीम 22 नीचे आ चुकी है, तो देखने का है किसके साथ क्या गंदा सीन होता है। तो यहाँ पे 69 तल्लू को उजी मिल चुकी है, तो बस टीम 12 के पास कुछ है नहीं, तो भाई लोग जाएंगे घर में कुछ लूटने। बट ये 69 तल्लू के पास उजी मिल गई है, तो कतई गंदा वाला स्प्रे देके एक बंदा तो नॉक हो गया फिलहाल और एक बंदा बच के जा रहा है। तो भाई लोग 22 की तो नसीब ख़राब थी क्योंकि गन नहीं मिला। और यहाँ पे 69 तल्लू ने एक को तो पूरा फिनिश कर दिया है, फिलहाल 1 किल ले लिया है। तो तल्लू को पता है कि उसके पास गन नहीं है, इसके लिए भाई बहुत ही कतई पीछा करके जा रहे हैं मारने। अगर सामने वाले बंदे को भी गन मिल गया तो फाइट ही फाइट होगी, बट गन ही नहीं मिला उसको। और यहाँ पे फिर एक स्प्रे बट मिस हो गया। देखना है कौन मारता है। ओ भाई, तो चलो 69 तल्लू ने तो नहीं मारा बट उसके टीममेट ने मार दिया। तो अब आते हैं हम लिपोफका में जहाँ 2 स्क्वाड उतरी है, टीम 8 और टीम 19। तो यहाँ देखने का है किसके साथ क्या गंदा सीन होता है और किसकी पेटी बनती है। तो यहाँ पे भाई तो 4 vs 4 होने वाला है, देखते हैं कौन मारता है भाई। तो यहाँ पे टीम 19 का बंदे ने स्पॉट कर लिया है टीम 8 के बंदे को। तो भाई टीम 8 के बंदे कुछ गलत जगह पे आके बैठ गया आई थिंक। ये लो भाई, अब तो अलग ही गलत जगह चला गया। ओ भाई, कतई गंदा स्प्रे, मतलब गंदा स्प्रे बोलता हूँ, मतलब बेकार स्प्रे नहीं, मतलब अच्छा स्प्रे था टीममेट के बंदे का। सौरभ एक बंदा नॉक हो गया, देखने का है भाई अब टीम 19 रश करती है कि नहीं 8 पे, बिकॉज एक बंदा उसका नॉक हो चुका है। बट भाई कुछ भी बोलो, ये टीम 8 के बंदे हैं, मैं इनकी वीडियो में देखा हूँ बहुत ही अच्छे गेम के लिए ये। और ये क्या टीम 8 के बंदे ने नॉक कर दिया है टीम 19 के बंदे को, तो एक एक बंदा नॉक एक एक स्क्वाड का। और ये क्या कर रहा है भाई, कहाँ स्कोप निकाला है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका। तो चलो फिर आते हैं। रेवल अनिकेत आ चुका है रिवाइव के लिए सौरभ के पास, क्या रिवाइव हो जाएगा पूरा या बंदे रश कर देंगे। यहाँ का रिवाइव कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे रेवल अनिकेत नॉक हो चुका है। ओ भाई, सौरभ भी नॉक, तो ब्लेज गन आ चुका है अब यहाँ पे। ओ भाई, कतई पीछे से आके पूरी स्क्वाड फिनिश कर दिया है ब्लेज गनी ने, बहुत ही सही गेम खेला। तो यहाँ पे टीममेट के बंदे पूरे अलाइव,
अब बारी आती है जॉर्जो पुल के साइड के इधर और सिटी अपार्टमेंट। तो ये बंदे हैं जो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके बोले हैं कि भाई तू हमें नहीं दिखाता है वीडियो में। तो भाई तू मुझे एक बात बता, तू देख कितने जोन से कहाँ पे तू है वो तो देख, जहाँ बंदे सोच भी नहीं सकते कि यहाँ फाइट होएगा तू वो जगह पे गया है। तो तुझे दिखा के मुझे क्या फ़ायदा है ये बता मुझे, तुझे दिखाऊँ कि जहाँ फाइट हो रहा वहाँ दिखाऊँ मैं, और तू मुझे गाली देता है। अबे भाई थोड़ी अंदर तू गट्स रख, फाइट करने जा तो तेरा खुद मैं वीडियो दिखाऊंगा और मुझे गाली देता है। अगर मैं चूतिया हूँ तो तू क्या है, तू भी चूतिया ही है ना। हाँ ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ, तो फिर डायरेक्ट गाली देने की क्या ज़रूरत थी। तेरे गाँड में दम है तो तू फाइट ले, मैं खुद तेरा वीडियो दिखाऊंगा। हाँ तू फाइट ले रहा है, तू फट्टू जैसा आके इधर डरपोक जैसा इधर कोपचे में खेलेगा, तेरा फाइट ही नहीं होगा। जहाँ बंदे आएंगे ही नहीं तू वहाँ जाके घूमेगा तो तेरी वीडियो क्यों दिखाऊँ मैं बता। मैं तो चल फिर, मेरा तो कुछ गया नहीं, तुझे हर्ट हुआ रहेगा तो फिर पता नहीं मुझे। तो आ चुके हैं हम लोग जॉर्जो पुल में, जहाँ टीम 11 और टीम 2 है। तो टीम 2 के बंदे नॉक है, एक बंदा नॉक है टीम 2 का। ओ भाई कत्ते ही दिमाग लगाए हैं टीम 2 के बंदे लोग ने, सीधा ऊपर से नीचे जाकर भलके से हेल्थ डैमेज हो बट हेल्थ फुल करके फ्लैंक करके मारेंगे टीम 11 को। आई थिंक ऐसा इन लोग की सोच है। तो बहुत ही गंदा सीन होने वाला है टीम 11 के साथ अगर टीम 2 अच्छे से आ पाई फ्लैंक मार के, तो क्योंकि टीम 11 का सबका ध्यान उस पहाड़ी पे ही है ये देखो। बट वहाँ पे टीम 2 के एक बंदे भी नहीं है, सबका ध्यान उधर रहेगा। और टीम 2 के बंदे अगर साइड से आ गए तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आ चुका हूँ ये साइड पे जहाँ टीम 20 है और टीम 5 है। टीम 5 भाई कतई जहर खेली है हर मैच, तो देखने का है क्या टीम 20 मार पाएगी टीम 5 को या टीम 5 मार देगी 20 को। ओ भाई सीधा नेड, क्या नेड सक्सेस। अरे ये कोई और मार दिया, इसके टीम 5 के बंदे ने नॉक कर दिया है डाकू डैडी को। और टीम 5 के बंदे के पास AK में देखने का क्या स्प्रे परफेक्ट जाएगा। और डाकू शंकर आ चुका है भाई कतई दम रखकर रिवाइव देने, बट यहाँ पे भाई टीम 5 के बंदे ने बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया गया। ये क्या टीम 5 के बंदे ने पूरा क्लियर कर दिया टीम 20 के बंदे को। वाह अब यहाँ पे टीम 11 भी आ चुकी है इस फाइट में, जहाँ टीम 11 के 3 बंदे चले गए हैं फाइट के लिए और एक बंदा ब्रिज बस क्रॉस करके जाने ही वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, टीम 5 के बंदे जाएंगे या टीम 11 के बंदे जाएंगे। बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे पब्लिक आ चुकी है, मतलब स्क्वाड आ चुकी है टीम 2 टीम 5 टीम 11, मतलब 3 स्क्वाड है। देखने का है क्या होता है। ये भाई कहाँ मार रहा है, ओ भाई यहाँ मार रहा है। तो टीम 2 का बंदा स्प्रे दे रहा है टैप फायर आई थिंक टीम 11 के बंदे के ऊपर। तो देखने का है कौन किसको मारता है, टीम 11 मारता है 5 को या 2 को या और भी कोई किसको मार पाएगा तीनों बंदों में से। तो टीम 5 के बंदे ने नॉक कर दिया है और यहाँ पे टीम 2 का एक बंदा मारा गया और बचे हैं 3 बंदे। तो टीम 11 का एक बंदा भी नॉक नॉक हो चुका है।
कैप्टन और वजीर फाइट के लिए जा रहे हैं और बादशाह आई थिंक गोट में जा रहा है भाई। तो टीम 11 के बंदे दो नॉक और यहाँ पे टीम 11 के बंदे पूरे फिनिश। अब इस जगह पे सिर्फ टीम 2 है जिसमें दो बंदे हैं और टीम 5 है जिसकी पूरी स्क्वाड है। तो देखने का है 2 vs 4 कौन किसको मारता है। तो भाई मुझे लगता है पहले इनको लूट चाहिए। आई थिंक उनके पास कुछ हेल्थ का सामान नहीं रहेगा। तो बादशाह बोट लेके भाई जोन में जा रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, अपने दोनों टीममेट्स को यहीं पे छोड़कर, जो बहुत बड़ी आई थिंक गलती होने वाली है क्योंकि भाई टीम 5 वैसे ही अच्छी गेम खेलती है और पूरी स्क्वाड है और टीम टू भी अच्छी खेलती है बट दो ही बंदे। और यहाँ पे टीम 5 के बंदे ने स्पॉट कर लिया और स्प्रे और दोनों बंदे नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब दोनों बंदे तो पेटी बनने वाली है क्योंकि इन लोग का एक बंदा तो भाई बोट लेके चला गया जोन में। ये देखो दोनों बंदे नॉक है और बादशाह है जो बोट लेके जोन में चला गया। तो टीम 2 के दोनों बंदे फिनिश, एक तो फिनिश हो चुका और एक फिनिश हो ही जाएगा। तो अब टीम 5 का बंदा मतलब टीम 5 के बंदे लोग भी अब सेफ है, अब जोन में जा सकते हैं इन लोग। बट अभी भी एक बंदा नॉक है टीम 2 का, तो उसकी पेटी बना के जाएंगे। तो हो गया, पेटी बन गया, तो अब इन लोगों को जोन में जाना चाहिए। तो चलो फिर अब हम चलते हैं दूसरों को स्पेक्टेट करने जहाँ फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ टीम 25 है और टीम 18 जो वहाँ से भाग कर आए थे, जो मुझे गलत बोल रहे थे, जो मुझे गाली दे रहे थे, और ये फाइट लेने आए और यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। और ये देखो गलत टीटीपी मतलब टीपीपी, तो दो बंदे नॉक और एक और बंदा जो है ऊपर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी बंदा हो गया, पेटी बन गया। तो बोलते हैं ना दूसरों को गाली देने से पहले खुद का गेम सुधारा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब पता नहीं कौन है ये, कौन कमेंट किया है, जो कमेंट किया है वो प्लेयर है इसी गेम टीममेट्स का या फिर उनका दोस्त है। अगर दोस्त रहा तो मैं भाई टीम 18 को कुछ नहीं बोल रहा, अगर टीम 18 का वो प्लेयर है तो मैं उसको बोल रहा हूँ। तो चलो फिर यहाँ देखते टीम 4 और टीम 12। तो टीम 12 ने तल्लू ने नॉक कर दिया है टीम 4 के बंदे को, द गेमर को। और यहाँ पे अजय ने ग्रोजा का स्प्रे देकर बहुत ही हार्ड स्प्रे दिया, एक बंदा नॉक कर दिया अजय ने भी, बचा है बस एक बंदा। और यहाँ पे तला फायर दे रहे हैं और यहाँ पे एक और देवसेना नॉक और पीछे से उस पर फायर बट कवर में है। अरे भाई इतना क्या खाई थी, थोड़ा पीछे रहता तो तेरी पेटी भी नहीं बनती, बिकॉज अजय तो आ ही गया था यार। और यहाँ पे टीम 4 की स्क्वाड पूरी कंप्लीट क्लियर हो गई। अगर 69 तल्लू ज़रा वेट करता तो शायद बच जाता, बट यहाँ पे टीम 23 ने स्पॉट कर लिया है 12 को और कतई स्नाइपर मिनी शॉट दिया जा रहा है टीम 12 के बंदे को। और यहाँ पे अजय नॉक हो चुका है ओम के एक शॉट पे और पूरा ही फिनिश हो गया अजय। बचा है सिर्फ एक टीम 12 का बंदा और वो भी क्लियर हो चुका बहुत ही अच्छा। और टीम 69 के बंदे देखो जा रहे हैं जोन में। और भाई एक और बंदा था जो बोलता है सिर्फ टीम 69 को तू दिखाता है, क्या पैसा लिया है? तो भाई देख आज गेम में टीम 69 को मैंने दिखाया भी नहीं ज़्यादा क्योंकि उनकी फ़ाइट किधर हुई नहीं, जहाँ फाइट होएगी वहाँ मैं सबको दिखाऊँगा। तो बेफालतू का कॉमेंट करके मतलब नहीं है, खुद का गेम बनाओ तो खुद तुम लोग गेम में दिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे टीम 69 के बंदे जा रहे हैं और यहाँ पे रेबल अनिकेत का बहुत ही अच्छा स्प्रे, टीम 69 का बंदा ज्यूस नॉक हो चुका है और यहाँ पे पूरा किल लेने की फिरात में है अनिकेत। तो 69 ज्यूस की पूरी पेटी बन चुकी है, अब बचा है सिर्फ गॉडज़िला। ये बंदा मुझे बोलता है कि गॉडज़िला से लगता है पैसा खाया है तभी उन लोगों का दिखाता है। अबे भाई
तुम लोग खेलो, अच्छा गेम करो, तुम लोग का मैं खुद दिखाऊंगा। पैसा खाया है क्या? मैं तुम लोग से पैसा खाया हूँ? तुम लोग मेरे रूम में आके खेल रहे हो क्या? पैसा खाया हो क्या मैं? नहीं ना, तो वैसे ही मैं इन लोग से ही पैसा नहीं खाया हूँ। ठीक है, कमेंट में हीरो बन के। ओ भाई क्या बात है, रेवल अनिकेत ने बहुत ही अच्छा शॉट दिया है रनिंग। तो टीम 69 के बंदे पूरे फिनिश हो गए। तो चलो फिर, मैं भी क्या फोकट की बात लेके बैठा हूँ टीम 18 की। हटाओ ये सब, गेम में फोकस करते हम, कमेंट्री में फोकस करते। तो अब ये जगह पे आ चुकी है टीम 5 और टीम 8, दोनों टीम की फाइट होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत ही कड़क वाली, देखा जाएगा कौन मारता है। तो टीम 5 के बंदे ने एक को स्प्रे दिया है, बट नो डैमेज। तो यहाँ पे स्प्रेयर नॉक हो चुके हैं और स्लेजर नॉक हो चुका। टीम 5 के दो बंदे नॉक और टीम 8 का एक रेवल अनिकेत नॉक हो गया है। और यहाँ से ब्लेस गनी ने उसी से स्प्रे देकर टीम 5 के बंदे पूरे क्लियर कर दिया है। तो फिर से एक बार टीम 8 के बंदे बच चुके हैं और पूरी उनकी स्क्वाड अलाइव है और बहुत ही अच्छा किल कर चुके हैं भाई लोग इन लोग। और यहाँ पे मैं आया तो देखा भाई गलती से 25 के बंदे बोलते ना, मतलब बहुत ही बुरी तरफ से फंस चुके हैं। अब ये साइड से टीम 14 स्प्रे दे रही है और उधर से टीम 8 स्प्रे दे रही है। तो बहुत ही गलत जगह इन लोग ने चॉइस या चूज जो भी बोलते हैं किए हैं, बिकॉज दोनों साइड से इन लोगों को स्प्रे आ रही है। और यहाँ पे टीम 8 के एक प्लेयर ने नॉक कर दिया है टीम 25 के बंदे को। टीम 14 का बंदा भी बहुत ही अच्छा स्प्रे दे रहा है, बट सब आई थिंक कवर में है। अभी भी टीम 8 अलाइव है और अलाइव 20 बंदे हैं। तो टीम 14 का बंदा आई थिंक उसको लग रहा है जोन में जाना चाहिए, बिकॉज जोन में नहीं होंगे। ये क्या भाई, बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे टीम 8 के बंदे, नॉक पे नॉक कर रहा है डीपी से, बहुत ही अच्छा स्प्रे है। तो देखने का है क्या टीम 25 वहाँ से बच के निकल पाएगी। और यहाँ पे रेवल अनिकेत ने गाड़ी ब्लास्ट किया और आई थिंक 25 का एक बंदा मारा गया जो नॉक था। अब बचे टीम 25 के दो बंदे वहाँ पे, बहुत ही बुरी तरफ से दोनों फंसे हैं यहाँ पे और गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो चुकी है, तो बचने का कोई उम्मीद नहीं लगता मुझे। तो ओ भाई फिर से नॉक किया उसने टीम 8 के बंदे ने। ओपी, अरे भाई नाम भी नहीं करने दिया। ओ भाई गलत सीन हो गया, टीम 25 का बंदा एक ऊपर नॉक था, उसकी पेटी बन गई। अब बचा D2 के वैम्पायर जो नीचे गिर चुका। अब मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा, अब ये आई थिंक जोन से ही मारा जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग टीम 23 पे, जहाँ टीम 23 और टीम 21 है। तो ये जाने की कोशिश, और यहाँ पे भाई कतई जीप के अंदर स्प्रे दे दिया है और यहाँ पे उसकी पेटी बन चुकी। तो बहुत ही हार्ड मैच हो रहा है आज का। तो फिर से आ चुके हैं हम लोग टीम 8 के ऊपर और टीम 24 के ऊपर। तो TPP का ये है, बट यहाँ पे टीम 8 का एक बंदा नॉक और बहुत ही कवर फायर, और सामने टीम 24 का एक बंदा नॉक। अब टीम 8 का बंदा रेवल अनिकेत TPP ले रहा है, फिर से आया और यहाँ पे ये भाई, ओ भाई मिस हो गया थोड़ा सा, बट अंदर घुस के पेटी बना दी गई है टीम जो भी टीम थी, आई थिंक फॉरगेट कर दिया मैं कौन सी टीम थी। तो कोई बात नहीं, फिर से टीम 8 के बंदे पूरे अलाइव है। तो यहाँ पे टीम 2 का बंदा अलाइव है जो बोट लेकर आ चुका था जोन में। तो बहुत ही अच्छा काम, एक तरफ से अच्छा काम भी है जो हैशटैग में आया है, तो पॉइंट तो अच्छी खासी मिल गई रहेगी भाई को। बट अब जहाँ जा रहा है आई थिंक वो गलत जगह जा रहा है, क्योंकि हर तरफ से पड़ेगी भाई। ये देखो सौरभ ने तो
स्क्वाट करके स्प्रे भी देना चालू कर दिया है। कतई दो किल मचा दिया है सौरभ ने भी, अनिकेत ने 3 किल, ब्लेज गनी ने 5 किल, और भाई इसका नाम तो ओपी पूरब, ओ भाई ओपी पूरब ने भी 3 किल कर लिया है। और टीम 7 का भाई अभी तक 0 किल, तो देखते हैं अभी तो है वक्त, किल कर सकते हैं टीम 7 के बंदे भी। और टीम 14 के बंदे का भी 0 किल दिख रहा है मुझे तो। ओ भाई क्या बात है, टीम 21 के बंदे सीधा बीआरडीएम लेके आ चुके हैं, और ये क्या, टीम 14 के बंदे पे हाथ में कोई गन ही नहीं लिया था, और यहाँ पे टीम 21 के बंदे ने फ़ायदा उठाया, सीधा बीआरडीएम से बाहर निकल के सीधा पेटी बना दी दोनों बंदे की। तो बहुत ही बोलते हैं अच्छा काम किया, मतलब देख लिया कि बंदे के हाथ में गन नहीं है, नेड है, तो सीधा बीआरडीएम रोक के सीधा पेटी। तो 2 किल तो मिल गई बहुत ही अच्छे से मज़े में इन दोनों को। तो फिर से बीआरडीएम लेके भाई सफ़र पे निकल चुके हैं टीम 21 के बंदे, अब देखना है क्या होता है। और यहाँ पे बीआरडीएम से धुआं निकलने लगा, ओ भाई रेवेल निकल बहुत ही मतलब सुधारने वाला स्प्रे। अरे भाई स्प्रे तो अच्छा था, बट वो टाइम पे स्प्रे अच्छा दिया रहता तो भाई वो बंदा नॉक था फिर। और यहाँ पे ओपी पूरब नॉक, पूरा फिनिश, क्या बात है, टीम 1 के बंदे तीनों फिनिश हो गए, सिर्फ रेबल अनिकेत बचा है, टीम 4 और अलाइव 8, बहुत ही अच्छा स्प्रे, बट अभी बंदा सिर्फ नॉक है, किल नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, अब बस एंडिंग मूवमेंट है, बस 3 से 4 मिनट और देख लो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और लास्ट में इस बार रिजल्ट है, इस बार दोनों रिजल्ट मिल जाएगा, और पूरी पूरा स्टार्ट टू अभी तक का पूरा रिजल्ट मिलेगा, कौन कितना आया है। तो लास्ट तक देखते रहना वीडियो, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक करना, और जो मेरे नए चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे टीम 21 का बंदा नॉक है, तो उसका टीममेट गया फिलहाल तो रिवाइव देने, बट यहाँ पे स्प्रे, ओ भाई इवेल बास्ता ने सीधा नॉक कर दिया है टीम 7 के टीममेट को। तो फिलहाल तो टीम 7 तो भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरा ओपन में है, तो स्मोक तो बनता ही है। ओ भाई यहाँ पे टीम 2 इवेल बास्ता की पूरी पेटी बन गई, जहाँ अब टीम 3 अलाइव है, और रेवल अनिकेत का बहुत ही अच्छा स्प्रे, आंसू नॉक हो चुका है टीम 7 का। 4 vs 1 vs 2 फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे टीम 7 का एक बंदा मारा गया और दूसरा बंदा नॉक, और उसकी भी पेटी, क्या बात है, बहुत ही अच्छा खेल रहे टीम 21। तो अब देखना है कौन किसको मारता है, किसके में कितना दम है, 2 vs 2, बट अभी भी एक टीम 8 का एक बंदा है। तो यहाँ पे AKM का बहुत ही अच्छा स्प्रे प्रोन होके सीधा बंदा टीम 7 का नॉक, और आए ओ भाई, तो टीम 21 के बंदे ने तो स्पॉट कर लिया है टीम 8 के रेबल अनिकेत को। तो देखते हैं क्या अनिकेत सर्वाइव कर पाएगा एंड तक, अभी भी टीम 7 का एक बंदा है, टीम 8 का एक बंदा है, टीम 21 के 2 बंदे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है बिकॉज टीम 21 के 2 बंदे हैं तो गेम वो मार सकते हैं, और रेवेल अनिकेत भी बंदा अच्छा खेलता है तो वो भी चांस है उसको भी, और टीम 7 के बंदे भी अच्छे खेलते हैं तो उनको भी चांस हो सकता है। तो देखते हैं कौन मारता है चिकन डिनर। ओ भाई बहुत ही गंदा डिसीजन था रेवेल अनिकेत की तरफ से, तो टीम 21 के बंदे ने रेवेल अनिकेत को फिनिश कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ टीम 7 का एक बंदा बचा है, तो टीम 21 के बंदे सीधा नेट से मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो बस काम ख़त्म, गाड़ी UAZ पे स्प्रे, और यहाँ पे UAZ ब्लास्ट, तो सीधा चिकन डिनर हो चुका है टीम 21 को। तो गाइस आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और टीम 18 वाले बंदे
सॉरी अगर तुम लोग को कुछ बुरा लगा रहेगा, बट तुम लोग ने स्टार्ट तो तुम लोग ने ही किया था ना, गाली दिए तो चलो फिर कोई बात नहीं। अपने अपने रिजल्ट्स देख लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो क्या गलती है और मैं सही हूँ कि नहीं।